की बात करिए, उन्होंने आई थिंक रोटेशन पे वहां पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को स्पॉट आउट किया और उनको टेक डाउन भी कर दिया। जी हाँ, वहां पे डार्क को नॉक किया गया है और जितना ज्यादा टाइम इस फाइट में लगेगा उतना ही ज्यादा टाइम बाकी टीम्स को मिलेगा जोन के अंदर जाने के लिए, और अगर एक बार टीम्स आपसे पहले जोन के अंदर पहुंच गई तो फिर आपके लिए दिक्कतें काफी ज्यादा वहां पे बढ़ती हुई दिखेंगी। उसी के साथ साथ एक बार वापस से जोन की बात कर लेते क्योंकि जो जोन है वो थोड़ी देर में हमारे सामने आप स्विच होता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ आया ग्रेनेड और अब अगर एक बार प्लेयर नॉक हो गया तो आप समझ सकते हो रश तो आपके ऊपर तुरंत आता हुआ दिखेगा। आइकॉनिक देखने को मिलेंगे, आइकॉनिक थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे जरूर, जोन यहां पे शिफ्ट लेने वाला है। और उसी के साथ साथ यहां पे जोन की बात करें, जी हां पूरा का पूरा नीचे की तरफ शिफ्ट लेता हुआ दिखेगा। जो सेल्टर के नीचे के कुछ स्पॉट हाउस होते हैं एक तो वहां पे पूरा ये जोन कट रहा है और बिग ब्रदर की टीम की पोजीशन देखिए अभी के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन। पर लेकिन वहीं पे सांगवान ने एक प्लेयर को टेक डाउन किया था, वो आदित्य को वहां पर टेक डाउन किया था। आइकॉनिक ज्यादा ओपन गए, इनके बूस्टर्स को ही इन्हें बचा रहे हैं, बाकी कोई इनको बचा नहीं रहा, लेकिन फिलहाल इनके लिए बहुत ज्यादा ट्रबलिंग सिचुएशन फर्स्ट लेकिन वो आर्की प्लेयर्स